हेलो बच्चों, आज हम एनटीए के मॉक टेस्ट 12 में बायोलॉजी के सभी 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीए के जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, लगातार उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तक टोटल 6 मॉक टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं। कल मैंने बेटा मॉक टेस्ट 11 अपलोड किया था, आज हम मॉक टेस्ट 12 अपलोड करेंगे। मॉक टेस्ट 12 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें बायोलॉजी के बेटा सभी 90 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ बेटा वीडियो को पूरा देखें ताकि 90 क्वेश्चन आप सही तरीके से कवर कर पाएं। क्योंकि बेटा इन क्वेश्चन में केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरी तरीके से सॉल्व करके और चारों ऑप्शन कोशिश करता हूँ कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए बेटा, पहला सवाल है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकरिन। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस बेटा हनी बी में पाई जाती है और इसके द्वारा ड्रोन का प्रोडक्शन होता है। ड्रोन मेल होते हैं बेटा हनी बी में, जो कि हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। बेटा देखिए, यहाँ पर जो पार्थिनोजेनेसिस है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट हो बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच लोब्यूल कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। दीज ओपन इन टू द वासाई फ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्ट इज सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है फेलोपियन ट्यूब के बारे में। द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द फेलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ये भी सही है। तीसरा सीमेन के बारे में लिखा, एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड फॉर एट लीस्ट 30% ऑफ देम हैव मिग्रस मोडलिटी, ये फर्टिलिटी के लिए आपको बताया गया है। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन, ये भी सही स्टेटमेंट है। बेटा डी ऑप्शन क्या लिखा है कि प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल टू बिकम सेकेंडरी फॉलिकल। दस इन द सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इन टू एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही, यानी यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। बेटा यहाँ पर क्या लिखा कि प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल टू बिकम ए सेकेंडरी फॉलिकल, इतना स्टेटमेंट तो सही है। फिर करें इन द सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इन टू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, ये बेटा जो पॉइंट लिखा गया ये गलत है, क्योंकि टर्सरी फॉलिकल जो होती वहां पर थीका लेयर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डिवाइड होती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट, तो इसमें आपको बताना है कि इम्यूनिटी के लिए कौन सा गलत है। तो पहला क्या लिखा है, इट इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, एकदम से बेटा एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्विक होती है। बी ऑप्शन है मेमोरी सेल आर फॉर्म, बिल्कुल एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है। सी में लिखा एंटीबॉडीज आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स, गलत है बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान एंटीबॉडीज बनती हैं, स्लोली बनती हैं। एक्सपोजर ऑफ एंटीजन इज ए प्री रिक्वेसाइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, एकदम से बेटा एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन होने के बाद ही डेवलप होती है, तो यहाँ पर सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट, बेटा व्हाइट रस्ट से अगर हम बात करें तो व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है करण राय, प्रेसिका की वैरायटी करण राय जो कि रेजिस्टेंट होती है व्हाइट रस्ट से। करण राय को पूसा स्वर्णिम के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आल्सो नेम्ड एज पूसा स्वर्णिम। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल इट इंक्लूड, बेटा आउट ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग आ जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग आ जाएगा और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, तो आपका स्टेटमेंट डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब आर यूज्ड, बेटा माइक्रोब का जो यूज होता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान किया जाता है, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बायो का मतलब क्या होता है बेटा, बायो का मतलब लिविंग होता है, तो चूंकि लिविंग का यूज बेटा किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, आपके नीट में पूछा जा चुका है।
वॉट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या बेटा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये कि इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। अगर किसी जीन के कोडिंग सीक्वेंस में हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस जीन में इनएक्टिवेशन आ जाता है, मतलब वो जीन एंजाइम के लिए कोड नहीं कर पाता है, इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में आपको बायोटेक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ELISA is based on the principle of, ये भी बायोटेक में क्रैश कोर्स में मैंने कराया था। ELISA is based on antigen antibody interaction और ELISA के को बेटा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स के रूप में। द टर्म नीस ऑफ ए स्पीसीज रिफर टू, बेटा नीस में देखिए दो चीजें हम लेते हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है, स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड रोल इट प्ले, यानी हैबिटाट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन को मिला के बेटा नीश का नाम दिया था। देखिए डी ऑप्शन में केवल फंक्शन लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, मतलब आपको हैबिटाट भी देखना है यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है और उसका उसके इकोसिस्टम में क्या रोल है यानी उसका फंक्शन क्या। तो हैबिटाट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन इज नेम्ड एज नीश। क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज इन एन एरिया कैन हैव डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कम्युनिटी बाई, बेटा एग्जॉटिक स्पीसीज उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे एरिया से इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे हमारे देश के लिए आइकॉर्निया एक एग्जॉटिक स्पीसीज है। अब एग्जॉटिक स्पीसीज जो होती है बेटा ये किसी भी एरिया में तबाही मचाती हैं और उसका रीजन क्या है। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसिंग नेटिव स्पीसीज, एकदम सही है, ये जो नेटिव जो देसी जातियां होती हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं। फिर प्रेइंग ऑन नेटिव स्पीसी, ये भी हो सकता है कि जो एग्जॉटिक स्पीसीज है ये नेटिव स्पीसीज का देसी जातियों का शिकार कर लें, या कॉम्पिटिंग विद नेटिव स्पीसीज फॉर फूड एंड शेल्टर, ये भी सही होगा, तो ऑल यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन कल्चरल यूट्रोफिकेशन, बेटा कल्चरल यूट्रोफिकेशन तब होता है जब ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन के द्वारा जो पोल्यूटेंट कॉज किए जाते हैं उनकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। तो कल्चरल एनसीईआरटी में दिया गया बेटा कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूटेंट एराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम, हमारे घर से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन का रेट बढ़ जाता है, जिसे एसिलरेटेड या कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल इकोसिस्टम, तो बेटा जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए इसमें फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार जिसे फोम कहते हैं, ये अर्काटा टाउन के लोगों ने वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए एक नेचुरल सिस्टम डेवलप किया था और उसकी देखरेख के लिए ग्रुप बनाया जिसे फोम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन सोन इन द गिवन डायग्राम, बेटा इस डायग्राम में जो आपको प्लेसेंटेशन दिखाया गया है ये एक्चुअली फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन आपको दिखाया गया जो कि डायंथस और प्रिमरोज में पाया जाता है, एनसीईआरटी से फिगर बेटा डायरेक्टली लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेलर, प्लाज्मिड क्या होते हैं, दीज आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस्ड, बेटा अगर आप इवोल्यूशन को देखें तो सबसे पहले एल्गी आए, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए, और इवोल्यूशन में जो सबसे बाद में आता है वो सबसे एडवांस होता है, नहीं एनजीओ सबसे एडवांस है। तो देखिए क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी है, फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट है, सिलजनेला क्या है, टेरिडोफाइट है, और पाइनस क्या है, जिम्नो है। तो बेटा अब इन चारों ऑप्शन में जिम्नो सबसे बाद में आया, तो जिम्नो सबसे बाद में आया इवोल्यूशन के दौरान, तो यही सबसे ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा था सबसे प्रिमिटिव कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास सबसे प्रिमिटिव है, जो सबसे पहले आता वो प्रिमिटिव होता है और जो सबसे बाद में आता वो सबसे एडवांस होता है, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, स्यूडोपोडिया आर फाउंड इन डैश डैश एंड हेल्प इन डैश डैश, तो बेटा देखिए स्यूडोपोडिया कहाँ पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया अमीबा में पाए जाते हैं, दो ऑप्शन अमीबा के लिए आपको दिए गए हैं, और किस में हेल्प करते हैं, बेटा स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में मदद करते हैं और साथ ही साथ फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस ऑप्शन आपको दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
यहाँ पर कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है और डी आपको बताना है। ए में आपको क्या बताना है कि एस खेलमिंथ में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो एस खेलमिंथ से लेके बेटा बाकी जितने भी मेंबर हैं एस खेलमिंथ और उसके ऊपर के, उनमें सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सी डी में से कोई एक होगा। ए ऑप्शन तो खत्म हो गया। फिर इकाइनोडर्मेटा में आपको बताना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कैसा होगा, कंप्लीट होगा। तो अब कंप्लीट यहां पर बेटा बाकी देखिए सी और डी में तो दिया नहीं गया, इनकम्प्लीट दिया गया, तो इसका मतलब बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर सी में लिखा प्लेटी हेलमिंथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम एबसेंट होता है, नहीं पाया जाता प्लेटी हेलमिंथ में। और एनिलिडा में अगर बात करें बेटा तो एनिलिडा में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, एबसेंट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत बेटा पहली बार कहां से हुई, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली लिलिएसी। बेटा लिलिएसी का कैरेक्टर आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया, ट्राई कार्पिलरी सही है, ट्राइल ऑकुलर कंडीशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन ये भी सही है, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक होता तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, ट्राई कार्पिलरी ट्राइल ऑकुलर पेराइटल प्लेसेंटेशन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में ट्राई कार्पिलरी ट्राइल ऑकुलर एक्साइल प्लेसेंटेशन एक्टिनोमॉर्फिक ये सही स्टेटमेंट हो गया, एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 19, इफ टीएस ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम इज स्टेन्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी स्टेन्ड डार्क ब्लू। बेटा डार्क ब्लू रीजन कौन सा नजर आएगा डाइकॉट स्टेम में, बेटा डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होता है इसको स्टार्च सीथ कहते हैं, याद करिए है ना, एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन स्टोर होते हैं, तो स्टार्च सीथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बहुत बढ़िया सवाल एनटीए ने बनाया है। तो अब ये जो स्टार्च सीथ है बेटा, अब स्टार्च आप जानते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है, तो एंडोडर्मिस ब्लू कलर का दिखाई देगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 20, इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच, द वेंट्रल स्क्लेराइट इज कॉल्ड। बेटा जो वेंट्रल स्क्लेराइट यहाँ पर पाए जाते हैं उन वेंट्रल स्क्लेराइट को स्टरनाइट के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा जो डॉर्सल साइड में होते हैं बेटा उन डॉर्सल साइड के स्क्लेराइट को नाम दिया जाता है दैट इज टर्गाइट। टर्गाइट जो होते हैं बेटा वो डॉर्सल साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अब बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए, पहले ऑप्शन में क्या लिखा, ब्लड ग्रुप ए एंटी ए एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। बेटा ये गलत है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा एंटी बी एंटीबॉडी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो यही आपका आंसर होगा, बाकी चेक कर लीजिए। प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट सेल दैट फ्रेगमेंट टू प्रोड्यूस प्लेटलेट सही है बेटा। लिम्फोसाइट 20-25% डब्ल्यूबीसी का ये भी सही है। ग्रेनुलोसाइट में इओसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आती है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी करेक्टली कोरिलेटेड विद लूप ऑफ फेनले। तो देखते हैं बेटा लूप ऑफ फेनले के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही। पहला है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट गलत है बेटा, क्योंकि ये फंक्शन है पीसीटी का। दूसरे में क्या लिखा, रीअब्जॉर्प्शन इन इट्स दिस सेगमेंट इज मिनिमम, ये सही, मिनिमम यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड, बिल्कुल लूप ऑफ फेनले एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70-80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बेटा ये पीसीटी का काम है, लूप ऑफ फेनले का काम नहीं है। फिर लिखा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बेटा ये डीसीटी का काम है, लूप ऑफ फेनले का काम नहीं, तो ये गलत है। तो कितने स्टेटमेंट सही है बेटा लूप ऑफ फेनले के लिए, दो स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर बी सही है लूप ऑफ फेनले के लिए और सी सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द डाइजेशन ऑफ फूड बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम। बेटा जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलेजेस यानी क्लास नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, एक क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन इक्वेटर मेटाफेज सही है, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं। सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट एनाफेज 1, बेटा एनाफेज 1 में सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं करता तो ये गलत हो जाएगा। द पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक प्लेस जाइगोटीन, तो बेटा इसे सिनेप्सिस कहते हैं और सिनेप्सिस जाइगोटीन में होता है, तो ये सही है। तो आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो ए और सी करेक्ट है, बी गलत है यहाँ पर, तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25,
लोअरिंग इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज कॉल्ड। बेटा जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाते हैं तो इससे जो वाटर पोटेंशियल होता है उसमें जो कमी आती है उसे सॉल्यूट पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। जैसे पानी हमारे पास है, पानी का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब इसमें अगर चीनी को हम मिलाएं तो वाटर पोटेंशियल में जो कमी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सेस ऑफ मैग्नीज इंक्लूड ए डेफिशिएंसी ऑफ। बेटा मैग्नीज की अगर एक्सेस हो जाएगी प्लांट के अंदर तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी मैग्नीशियम की, आयरन की, कैल्शियम की, तीनों की होगी, तो आंसर ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रीजनरेशन ऑफ 6 RuBP इन C3 साइकिल रिक्वायर। बेटा यहां पर कहा है 6 RuBP के रीजनरेशन के लिए, तो इसको जरा समझते हैं। यहां पर एक RuBP का जब रीजनरेशन होता है केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में, तो केल्विन साइकिल, तो एक RuBP के रीजनरेशन के लिए एक ATP की जरूरत होती है ना। तो अगर 6 RuBP है तो 6 ATP की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन दिया साइटोक्रोम आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फेट ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज रिडक्शन, ये गलत है बेटा। ग्लाइकोलिसिस के बाद बेटा जो यहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है बेटा क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन लिखा इसलिए गलत हो जाएगा। नेट गेन ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 36 ATP, बेटा कहीं पर 36 बनती है और कहीं पर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, वैसे नई NCERT में 38 दिया गया है तो ये स्टेटमेंट पुरानी NCERT के हिसाब से सही माना जाएगा। देयर इज वन स्टेप इन क्रेब्स साइकिल वेयर FAD रिड्यूस टू FADS2, ये भी सही बेटा। FADS2 का फॉर्मेशन एक स्टेप पे होता है अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, जब आप जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में FAD से FADS2 का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सेल वॉल थिकनिंग प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आर ऑब्जर्व इन विच फेज ऑफ ग्रोथ। ये बेटा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको दिया गया है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, सेल वॉल थिकनिंग, और सेल स्पेशल काम करने के लिए मैच्योर होती है, दैट इज फेज ऑफ मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 30, डाइजेशन इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन द सबस्ट्रेट इज ब्रोकन इनटू ए फॉर्म दैट इज। बेटा डाइजेशन तब कंप्लीट माना जाता है जब सबस्ट्रेट उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जब उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो डाइजेशन की डेफिनेशन ही है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, व्हाट विल बी द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर बाई ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। बेटा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन से वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 से 1100 ml होती है। तो अब जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से 1100 ml वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है ईच मालपीजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच इज लाइन बाई ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल। तो बेटा अगर मालपीजियन ट्यूब्यूल की हम बात करते हैं तो मालपीजियन ट्यूब्यूल ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल से लाइंड होता है, ये सही स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एकदम सही NCERT लिखा है। फैट बॉडीज इन कॉकरोच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। बेटा फैट बॉडीज की अगर बात करें तो इनका एक्सक्रीशन में रोल होता है, तो ये गलत है। द कॉकरोच इज अमोनोटिलिक इन द रेनी सीजन, नहीं बेटा कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच यूरिकोटिलिक होता है, ये इंसेक्ट है तो इंसेक्ट तो यूरिकोटिलिक होते हैं, तो इनकरेक्ट आपसे पूछा तो थर्ड और फोर इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियोलस यूजली एसोसिएट विद क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड। बेटा न्यूक्लियोलस एक स्पेसिफिक साइट पर होता है जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या NOR के नाम से जाना जाता है। ये NCERT में बेटा आपको नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपको ये पढ़ाया है जेनेटिक्स में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, द नॉन माइलेटेड न्यूरोन कैन बी लोकेटेड इन। बेटा नॉन माइलेटेड का मतलब है जिन न्यूरोन के एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, और ये पाए जाते हैं ऑटोनॉमिक और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। नॉन माइलेटेड या अनमाइलेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं। कोड इसके लिए होता है बेटा USA।
यू मतलब अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व होती है उसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, उसके लिए कोड MSC आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, सम सेल इन टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड द हार्मोन स्टिमुलेटिंग सच सेल आर रिलीज्ड इन ब्लड। बेटा टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने वाली जो सेल टेस्टिस में होती हैं उन्हें लेडिक सेल कहा जाता है, ठीक है। अब जो लेडिक सेल, क्वेश्चन में कहा है कि लेडिक सेल को जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है उससे उस हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, तो लेडिक सेल को स्टिमुलेट कौन करता है, LH, और LH को सीक्रेट कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपका आंसर एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा। टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 36, साइलेंसिंग ऑफ ए जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ। बेटा जीन की साइलेंसिंग अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए RNA इंटरफेरेंस का तरीका यूज किया जा सकता है, और एंटी सेंस RNA भी यूज किया जाता है। सेंस RNA का एंटी सेंस RNA अगर होगा तो दोनों डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन कर लेंगे और RNA इंटरफेरेंस की शुरुआत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ जर्म पोर इन द पॉलन ग्रेन। बेटा पॉलन ग्रेन में जो जर्म पोर होता है वहां से पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस होता है, वहां से पॉलन ट्यूब अराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एन एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक यूक्लिना है। बेटा प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और एनिमल की तरह ये शिकार भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस डेवलप इन इंडिया। रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, बेटा इसमें तीन वेराइटीज आती, तीन क्रॉप आती, मेज ज्वार और बाजरा। मेज ज्वार और बाजरा, तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है, इसमें ज्वार और मेज आपको दिया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड विच प्लान टू सेव मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं MOEF। इसके द्वारा जो प्लान शुरू किए गए वो था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मालपीजन टिब्यूलिन पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना आर डैश इन नंबर एंड आर कलर्ड। तो बेटा कॉकरोच में मालपीजन टिब्यूल का नंबर 100 से 150 होता है, दो ऑप्शन में दिया गया, और येलो कलर्ड के होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, NCERT में बेटा दिया गया है। विच अमीनो एसिड प्लेज ए सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म में आपको ये चार अमीनो एसिड दी गई हैं और इनमें सेंट्रल रोल प्ले करता है ग्लूटामिक एसिड। बेटा जो ग्लूटामिक एसिड है, इस ग्लूटामिक एसिड से बाकी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है ट्रांस एमिनेशन नाम के प्रोसेस के द्वारा। ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस के द्वारा ग्लूटामिक एसिड से अदर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, NCERT में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, ए मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। बेटा C3 प्लांट में मेजर जो लिमिटिंग फैक्टर होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन दिया गया बेटा राइबोसाइम 23 sRNA, सही है। लैक ए परमीएज, बेटा लैक ए, तीन जीन होते हैं Z, Y और A, तो जो जेड होता है बेटा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, वाई जीन परमीएज के लिए कोड करता है, और ए ट्रांसस्टाइलेज के लिए, जबकि यहाँ पर लैक ए दिया गया परमीएज जो कि गलत है, लैक वाई परमीएज के लिए कोड करता है। ESTs सेटेलाइट DNA, ये भी सही। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बेटा इन्हें कहते हैं, और क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन है, बी, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द डिजीज कॉमनली कॉज बाय द फंगल जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। बेटा अब इन फंगल से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं रिंग वर्म, जिसे दाद खाज के नाम से आप जानते हैं, रिंग वर्म डिजीज। अब रिंग वर्म के लिए आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ना इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी। कॉमन सिम्टम अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली एंड इची लेजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये तो सही है। फेवरेबल कंडीशन फॉर डिजीज इन विंटर एंड ड्राई कंडीशन, ये गलत है। बेटा देखिए जो फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ करने की बेटा होती हैं, दीज कंडीशन आर मॉइस्ट, है ना, जहां पर मॉइस्ट कंडीशन होती हैं
वार्म कंडीशन होती है ना, वहां पर फंजाई अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, तो विंटर और ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं। ये हीट जहां पर ज्यादा होगी और जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पर ग्रो करेंगे, तो ये गलत है। कॉमन एरिया इन्वॉल्व स्किन फोल्ड नेल स्कैल्प ग्रॉइन एंड बिटवीन द टोज, ये भी सही है। मोड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवेल क्लॉथ और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ये भी सही स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव बीन एसोसिएशन विद राइजोबियम। तो बेटा स्वीट पी देखिए, ये भी लेग्यूम प्लांट है तो इसमें एसोसिएशन होगा राइजोबियम का। लेंटिल मसूर में, गार्डन पी में होगा, अल्फा अल्फा में होगा, एलनस में नहीं होगा, फ्रेंकिया में नहीं होगा, सोयाबीन में होगा, क्लोवर बीन में होगा। तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। पहला ऑप्शन क्या दिया गया बेटा आपको, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर एंड विस्कस इन नेचर, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इओसिनोफिल आर 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ये भी सही है। लिम्फोसाइट आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ए ग्रेनुलोसाइट, बेटा लिम्फोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो ए ग्रेनुलोसाइट में ये सबसे अबंडेंट, जबकि यहाँ पर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आपको बताया गया है। तो लिम्फोसाइट और दूसरा यहाँ पर बेटा जो मोनोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होती हैं ये ए ग्रेनुलोसाइट हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा लिम्फोसाइट के बारे में, तो लिम्फोसाइट होती हैं बेटा 20 से 25%, और जो मोनोसाइट होती, मोनोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो मोनोसाइट 6 से 8% होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक ग्रेनुलोसाइट है उनमें लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा अबंडेंट। डी में लिखा, स्ट्रोक वॉल्यूम इज ए अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ईच वेंट्रिकल पम्प ड्यूरिंग 1 मिनट, बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम इसे नहीं कहते, 1 मिनट में एक वेंट्रिकल जो ब्लड पम्प करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं कहते, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन आपको दिया गया, तो सी और डी गलत, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन दिया गया, वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम कल्चर, सही स्टेटमेंट है। सोमा क्लोनल वेरिएशन मे बी प्रेजेंट इन प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम कैलस, ये भी सही है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान वेरिएशन आती है तो इन्हें सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन आर कॉज ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, गलत है बेटा। सोमा क्लोनल वेरिएशन टिश्यू कल्चर टेक्निक के समय प्रोड्यूस होती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्टीवर्ड, ये सही है बेटा, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया। हाँ इंस्पेक्शन में मैंने जरूर आपको बताया है, और बायोनीट में आपको क्वेश्चन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द इकोसिस्टम हैज द लोवेस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर मीटर। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कोरल रिफ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कोरल रिफ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। कोरल रिफ के बाद अगर हम देखें तो फिर ग्रासलैंड आ जाएगा, उसके बाद मार्शी एरिया आ जाएगा, और ओपन ओशन, ओशन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। ओशन जिस हिसाब से उसका एरिया है उस हिसाब से उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम, क्योंकि ओशन ने 70% एरिया धरती का कवर कर रखा, लेकिन प्रोडक्टिविटी में इसका कंट्रीब्यूशन केवल 30% होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन आर सपोज्ड टू हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किस में होते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन में या आयडोथायरोनिन में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन हार्मोन में एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो पहले ऑप्शन में एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन, एल्ड्रोस्टेरोन भी स्टेरॉयड हार्मोन, तो इनमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। थायरोक्सिन में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, लेकिन इंसुलिन ग्लूकागन प्रोटीन हार्मोन, तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पाए जाते हैं। एपिनेफ्रिन में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, लेकिन कॉर्टिसोल, हाँ कॉर्टिसोल में भी इंट्रासेलुलर होंगे, लेकिन एडीएच में अगर बात करें तो एडीएच में मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे। ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागन, इंसुलिन, इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इन लाइट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी द साइट इज। लाइट रिएक्शन में जब एटीपी की सिंथेसिस होती तो कहां पर एटीपी बनती है, तो बेटा आंसर हो जाएगा यहां पर, दैट इज स्ट्रोमल साइट ऑफ द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में के ऊपर जो स्ट्रोमा की साइड है वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में।
आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर देन अदर बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर, तो बेटा इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है और इस वजह से बाकी बैक्टीरिया की तुलना में ये अनफेवरेबल या हार्ड हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, द एलिमेंट विच प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड हेल्प इन द पॉलन जर्मिनेशन, तो पॉलन जर्मिनेशन में कौन मदद करता है बेटा, बोरान, एनसीईआरटी में आपको दिया गया ये भी पॉइंट। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब, आरएनए पॉलीमरेज बेटा 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, जैसे 5SRRNA हो गया है ना, 5SRRNA के अलावा tRNA है ना, इसके अलावा जो snRNA होता है, इन तीनों का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 कराता है। 20SRRNA की अगर हम बात करते हैं तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा इसका ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है। HNRNA के लिए RNA polymerase 2 होता है और अगर हम 5.8SRRNA के लिए बात करें तो RNA polymerase 1 होता है। तो 5SRRNA के लिए, tRNA के लिए, SNRNA के लिए RNA polymerase 3rd एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट, सही है बेटा, नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट में पाया जाता है, सभी कॉर्डेटा का करेक्टर है। Pharynx is perforated by gill slit in non-chordate, गलत है बेटा, Pharynx perforated by gill slit in chordate। Hurt is dorsal in bird, बेटा bird में जो hurt होता है वो ventral होता है, dorsal hurt non-chordate में पाया जाता है बेटा, और यहाँ पर D में लिखा both A and C are correct, ये भी गलत statement हो जाएगा बेटा, तो option A यहाँ पर सही है। Question number 56, which set of example belong to the same phylum, देखते हैं जरा, सीपिया और लैसिफर, बेटा सीपिया मोलस्का का मेंबर है और लैसिफर लैक इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा का मेंबर, तो अलग अलग फाइलम के, तो गलत हो गया। कोरेलियम, ये कोरल है बेटा, मूंगा जो कि सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ल्यूकोसोलेनिया स्पॉन्ज है बेटा, तो ये मेंबर है किसका, पोरीफेरा का, तो ये भी अलग अलग फाइलम के हैं। एंकाइलोस्टोमा एस्केलमिंथ का मेंबर है, एंट्रोबियस ये भी एस्केलमिंथ का मेंबर, तो ये दोनों सेम फाइलम के हो गए, तो ये आंसर हो गया। बेलनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, कॉर्वस बेटा कॉर्डेटा का मेंबर, क्रो है ये कॉर्डेटा का मेंबर है, तो ये भी अलग अलग फाइलम के, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में एंट्रोबियस नहीं दिया गया जिसे पिनवर्म कहते हैं, तो आप कैसे कर पाओगे, एनसीईआरटी में आपको एंकाइलोस्टोमा नहीं दिया गया तो आप कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील ऑफ ऑल जीन इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड, इसे बेटा जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहा जाता है, वैसे आधा अधूरा नाम लिखा है एनटीए ने, इसको कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। एक क्रॉप में जितने भी सीड हैं उनमें जितने भी एलील और जीन होते हैं उनका कलेक्शन जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58, एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम हैज हाउ मेनी कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम, बेटा 21st क्रोमोसोम की जो डाउन सिंड्रोम वाला इंडिविजुअल होता है उसमें 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, है ना, इसे ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम की बेटा 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 59, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, अब बेटा यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है जबकि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस बेटा एसिमेट्रिकल नेचर की होती हैं, मोलस्क में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नन, कहीं पर भी इन ऑप्शन में रेडियल सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 60, सीलिएटेड एपिथीलिया इज फाउंड इन, बेटा सीलिएटेड एपिथीलियम खूब पूछा था, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियल ब्रोंकियोल में, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल में सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है, नीट में खूब पूछा जा रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 61, द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू मसल, बेटा बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू से टेंडन कहा जाता है, और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, तो लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है, तो आंसर ए होगा बेटा यहाँ पर। द प्रोटीन दैट इज इन्फेक्शियस टू लिविंग सेल आर टर्म्ड, इन्फेक्शियस प्रोटीन को बेटा प्रियॉन्स के नाम से जाना जाता है और ये टॉपिक एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन इज टर्म्ड एज, बेटा फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है, दैट इज नेम्ड एज वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 64,
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज नोन एज, बेटा अगर गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो बन गया बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपोगैमी। अब ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इंस्पेक्शन में जरूर मैंने एपोगैमी और एपोस्पोरी आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोटिब्यूलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैविंग अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो बेटा अगर हम माइक्रोटिब्यूल की बात करते हैं तो माइक्रोटिब्यूल पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में मिलेंगे, स्पिंडल फाइबर माइक्रोटिब्यूल से बने होते हैं, फ्लैजिला और सिलिया में माइक्रोटिब्यूल पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में बेटा आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेटा तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए यहाँ पर एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है, लिपिड पॉलीमर होता ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट की बात करें पॉलीसैकेराइड तो वो मोनोसैकेराइड के पॉलीमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन चाइल्ड डेंटिशन। बेटा चाइल्ड की अगर बात करें तो इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102, ये इनका डेंटल फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो अब देखिए बच्चों में मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं ना, सॉरी प्री मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्री मोलर टीथ, है ना। और ये एनसीईआरटी में बेटा आपको दिया नहीं गया लेकिन आपके नीट में लगातार पूछा जा रहा है, तो चाइल्ड डेंटिशन में प्री मोलर टीथ एबसेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग, खूब पूछा जाता है। बेटा लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्केवेंजर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन। बेटा हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रीजन की होती है, ये भी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, टी वेव इन द ईसीजी रिप्रेजेंट। बेटा जो टी वेव होती है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए पी वेव होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, और टी वेव होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, विच हार्मोन इज पोटेंट हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। बेटा हाइपरग्लाइसेमिक उसे कहते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता हो, उसे हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं। तो ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक होता है और इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक होता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करता है। क्वेश्चन नंबर 72, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। तो पहला ऑप्शन क्या है, एन आरएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, सही है बेटा। एचआईवी एक रेट्रोवायरस का एग्जांपल है, एचआईवी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और इस आरएनए से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बना लेता है, तो यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इंटू टर्सरी फॉलिकल। बेटा सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्सरी फॉलिकल बनती है तो डेवलपमेंट ऑफ एंट्रम, एंट्रम बनता है, एंट्रम वहां पर एक कैविटी होती है जिसका फॉर्मेशन होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीका, बिल्कुल थीका डिवाइड करके थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बनाती है, और साइज का, साइज में भी एनलार्जमेंट होता है, तो ये तीनों चीजें तो होती हैं। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड ये नहीं होता है बेटा, है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो वहां पर मियोसिस सेकंड तब कंप्लीट होती है बेटा, जब मियोसिस सेकंड का कंप्लीशन तब होता है जब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जो स्पर्म होता है वो एंटर कर जाता है, तब जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टू हार्मोन इन हैविंग डिफरेंट सोर्सेज। तो जीएनआरएच और जीएनआरएच और सोमेटोस्टेटिन दोनों का सोर्स क्या है, हाइपोथैलेमस। यहां पर पूछा डिफरेंट सोर्स किन का है, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दोनों का सोर्स क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इनका सोर्स क्या है, दोनों का सोर्स क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों का सोर्स हाइपोथैलेमस से दोनों सिक्रीट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इन्हें रिलीज किया जाता है।
कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। बेटा कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करती है। और पैराथार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? पैरा थायराइड ग्लैंड करती है। तो इन दोनों का सोर्स अलग अलग है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स बेटा आपको करना है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड पीपी, मतलब सेला टर्सिका, है ना, सेला टर्सिका कहते हैं। तो बेटा दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही खत्म हो गए, है ना। ये देखिए सेला टर्सिका दो ऑप्शन में पी में लिखा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होने वाला है आपका, है ना। फिर इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाई ए स्टॉक नेम्ड एज, बेटा जो स्टॉक होती है उस स्टॉक को इनफंडिबुलम के नाम से जाना जाता, तो क्यों इनफंडिबुलम होगा? अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में क्यू में स्थमस लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आपका डी आंसर करेक्ट होगा। अब आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो आप टाइम बचाओगे, यहाँ तो आप इसको पूरा करो, लेकिन एग्जाम में इसको टाइम बचाओगे। अब डी ऑप्शन करने के बाद आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे। फिर क्या लिखा, देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन आर एंड एस, तो आर और एस क्या है बेटा, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट, ये दो हो जाएंगे। द आर रीजन ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस टी प्रोलैक्टिन थायरॉइड, तो बेटा आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर यानी पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है, टी में ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा आपसे कहा है कि एडनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH गोनेडोट्रॉपिन एंड यू, अब यू यहाँ पर बेटा हो जाएगा दैट इज FSH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, तो आपका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ इट्स मोल प्रोजनी द डिजीज इज, ऐसी डिजीज बेटा होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जैसे हीमोफीलिया की बात करते हैं, तो हीमोफीलिया बेटा एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जहां पर कैरियर नॉर्मल फीमेल से 50% लड़कों में बीमारी होने की संभावना होती है, और ये एनसीईआरटी ने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 77, हु हैज ड्रॉन द सेम कॉन्क्लूजन ऑन इवोल्यूशन लाइक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की तरह का कॉन्क्लूजन वैलेस नाम के साइंटिस्ट ने भी निकाला था, यह भी एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा। रूट कैम्बियम एज, रूट कैम्बियम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो रूट में जो कैम्बियम होता है बेटा वो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, रूट कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम होता है और ये कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 79, एनाबिना लिव सिम्बियोटिकली विद एजोला, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एनाबिना एजोला के अंदर सिम्बियोटिकली पाया जाता है। एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इन द सॉइल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बेटा देखिए रेड एल्गी की बात करें, C4 प्लांट की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ये सब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते, इसे अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बेटा, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज्ड, बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट तब काम करता है जब पॉपुलेशन स्मॉल हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट तब काम करेगा जब पॉपुलेशन स्मॉल हो, अगर पॉपुलेशन लार्ज हो गई तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कम मिनिमाइज होगा जब पॉपुलेशन लार्ज हो। क्वेश्चन नंबर 82, ए लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, अगर किसी लेक में लगातार घर से निकलने वाला सीवर का पानी जाएगा तो इससे उसका BOD बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे मछलियों की डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 83, कॉर्क एम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क विच बिकम इम्परमेबल टू वाटर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, बेटा कॉर्क में एक्यूमुलेशन सुबरिन का हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। What will be the effect of accumulation of potassium ion in guard cell? Guard cell में बेटा potassium ion अगर accumulate होगा तो potassium ion के accumulate, potassium ion किसकी तरह? Solute की तरह काम करेगा, और solute बढ़ेगा तो water potential decrease करेगा, option B सही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन सोविंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडिल ऑफ कुकरबिटा, ये बेटा होमोलॉगस ऑर्गन है, एनसीईआरटी में आपको दिए गए। फोर लिंब ऑफ हॉर्स और विंग ऑफ इंसेक्ट एनालॉगस हो जाएंगे। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ ह्यूमन ये भी एनालॉगस है। फिल्पर ऑफ वेल एंड फिल्पर ऑफ डॉल्फिन ये भी एनालॉगस ऑर्गन है, एनसीईआरटी में आपको सारे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 86, इन मायस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज आर फॉर्मड अगेंस्ट, बेटा मायस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बॉडी अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है, और यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कॉलिनर्जिक रिसेप्टर ऑन मोटर एंड प्लेट। अब ये आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर पाएंगे, और ये एक्चुअली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर लेवल का सवाल है जो एनटीएनए टेस्ट में पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 87, सोमा क्लोनल वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग, अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि सोमा क्लोनल वेरिएशन टिश्यू कल्चर के दौरान प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 88, ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 5 एलील, हाउ मेनी जीनोटाइप आर पॉसिबल फॉर दिस कैरेक्टर, बेटा अब इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर आपको यहां पर 5 एलील दिए गए, 5 एलील और आपसे जीनोटाइप पूछा गया बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। बेटा पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको 5 एलील दिए गए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीनोटाइप का जो नंबर होता है ये होता है बेटा n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अब n यहाँ पर जो एलील या जीन दिया गया वो नंबर आप रखिए 5 प्लस 1/2, तो बेटा 5 यहाँ पर बाहर है, अंदर क्या 5 प्लस 1 यानी 6/2, 6/2 यानी 3 हो जाएगा, और 5 × 3 15 हो जाएगा, तो 15 जीनोटाइप है बेटा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब एनसीईआरटी में ये भी आपको नहीं दिया गया, और एनसीईआरटी से आप इसे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द सिम्टम ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस बाय, बेटा एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए एंटीहिस्टामिन एड्रेनालिन और स्टेरॉइड का यूज किया था, एनसीईआरटी में दिया गया है, ऑल आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रिसेसिव एलील इज 0.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन। अच्छा अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू यहाँ पर 0.4 दिया गया है। अब जो डोमिनेंट एलील होता है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है पहले, तो आप ये जान लीजिए पी प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आती है। तो अब यहाँ पर अगर पी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज P is equal to 1 minus Q, तो 1 minus Q आपको पता है 0.4, तो P की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 0.6 आ जाएगी, तो P की वैल्यू निकली। अब आपको निकालना क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब बेटा यहां पर अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं। कुछ इंडिविजुअल होते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, कुछ होते हैं वहां पर हेटरोजाइगस इंडिविजुअल, हेटरोजाइगस को हम कैसे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और कुछ इंडिविजुअल होते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं पी स्क्वायर। जो हेटरोजाइगस होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 2PQ, और जो होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप। तो बेटा डोमिनेंट फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा डोमिनेंट फिनोटाइप, बेटा ये जो कैपिटल टी जीनोटाइप है इसका फिनोटाइप कैसा आएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा, और इसका ये तो हेटरोजाइगस है लेकिन फिनोटाइप कैसा आएगा, फिनोटाइप तो डोमिनेंट ही आएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब ये भी टॉल आएगा और ये भी टॉल आएगा और ये वाला ड्वार्फ आएगा, इसका मतलब आपको इन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो पता है ये पी स्क्वायर और प्लस 2PQ, ये आप निकाल लीजिए। अब पी और क्यू की वैल्यू तो आपको पता ही, देखिए पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 0.6 है और क्यू की 0.4, अब इन वैल्यूज को पुट कर लीजिए आप यहाँ पर, P की वैल्यू 0.6 यानी 0.6 का स्क्वायर प्लस 2P की वैल्यू 0.6, Q की वैल्यू 0.4, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा प्लस 2 into 0.6 into 0.4 ये आ जाएगा 0.48, अब इनको हम
प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा बेटा 0.84, ये करेक्ट आंसर आएगा। तो अब ऑप्शन आप देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आप ध्यान देके नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी थोड़ा सा टाइम आपको एग्जाम में लगेगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, क्योंकि लगातार मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर दिया गया है ताकि आप पूरी तरीके से तैयार रहें। और डेली बेसिस पे एक स्पेशल सरप्राइज सेशन होता है आपके लिए 12 बजे दोपहर में, जहाँ पर बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक उनको भी हम बेटा कवर करते हैं, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए। और 90 क्वेश्चन डेली हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जो एनटीए के मॉक टेस्ट हैं इसके लिए, तो इसको भी आप जरूर करते रहिए। इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर इन वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और तुरंत घंटी बजा दें ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नीट की तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर पाएं। बेस्ट ऑफ लक।